Good morning, students. This is Class Seven Science, Chapter Number One: Nutrition in Plants. So, let's start the chapter. First of all, I tell you what topics we have to cover in this chapter. Like, first we discuss about the introduction of the chapter. Then, autotrophic, heterotrophs, host, parasite, insectivorous, parasitic plants, saprotrophs, symbiotic relationship, photosynthesis. And replenishment of nutrients. In this chapter, we will study about these topics. Okay, class. So, let's start, uh, let's start the first topic of our chapter that is nutrition. So, what is nutrition? It is a process by which organisms take in food and utilize it in order to survive. न्यूट्रिशन क्या होता है देखिए ये एक प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं फूड को लेते हैं और उस फूड से उनको एनर्जी प्रोवाइड होती है अपने सर्वाइवल के लिए सो so, जो न्यूट्रिशन वर्ड है वो कहाँ से आया है वो न्यूट्रिएंट्स वर्ड से आया है और वी नो दैट व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स विटामिन मिनरल्स ये सारे ही क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं ठीक है नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन जो होता है वो टू टाइप्स का होता है ऑटोट्रॉफिक एंड ऑटो ऑटोमीन्स सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीन्स नरिशमेंट सो ऐसे प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद ही प्रिपेयर करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ओके एग्जाम्पल इज़ प्लांट्स हेट्रोट्रॉफिक हेट्रोमीन्स अदर एंड अगेन ट्रॉपिक मीन्स नरिशमेंट सो ऐसे प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स जो अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं उन्हें हेट्रोट्रॉफ कहा जाता है और ऐसा मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एग्जाम्पल्स आर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स वी ह्यूमन बींग्स ऑल्सो आर हेट्रोट्रॉफ ओके